नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने त्रिनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक के उपरांत कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। इस यात्रा का उद्देश्य जनता को आपके 11 साल के कार्यकाल की नाकामी के बारे में अवगत कराना था। देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली के हालात चिंताजनक हो चुके हैं और जनता को आप सरकार के भ्रष्ट और लापरवाह कुशासन का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पूछ रही है सवाल अभियान के तहत सभी ब्लॉकों में पदयात्रा की और आप सरकार के खराब प्रदर्शन को उजागर किया। इस मौके पर जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने देवेंद्र यादव से बातचीत की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, पहले मनीष सिसोदिया पदयात्रा कर रहे थे, फिर विधायक आपके द्वार पहुंच रहे थे, भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों की तरफ रुख कर रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस आज सड़कों पर है। कांग्रेस आज सड़कों पर है, देख सकते हैं किस तरीके से पदयात्रा कर रहे हैं, पर्चियाँ बांट रहे हैं। देवेंद्र यादव जी खुद पहुँचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी उनसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि आज सड़कों पर कांग्रेस देवेंद्र यादव जी। निश्चित देखिए, आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग थी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में हमने ये फैसला भी किया कि घर घर जाकर जो आज नया एक ड्रामा शुरू हो रहा है, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अपने आप को शहीद साबित करते हुए यात्रा शुरू करने का जो काम किया है, हम ये चाहते हैं कि वो जब क्षेत्रों में जाएँ तो इन 5-7 सवालों का जरूर जवाब दें। आज हालत दिल्ली के सड़कों की, आज दिल्ली के बुजुर्ग परेशान हैं, आज बिजली महंगी हो गई है, आज पानी महंगा हो गया है, आज कहीं ना कहीं जो हमारे स्कूल थे, जो 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, आज वो कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब सरकार के नुमाइंदे विधायकगण जब ये दिल्ली में आए, क्षेत्र में आए 11 साल के बाद, उनको याद तो आई, शुक्र है इस बात की, लेकिन इन सवालों के जवाब जरूर लेकर आए। जब ये पदयात्रा में जा रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, तो लगातार लगातार शिक्षा मॉडल की बातें करते हैं, शिक्षा मॉडल की बातें करते हैं, शिक्षा के जनक देखिए देखिए आपको याद होगा जब ये सरकार बनी थी 2015 में, तो इन्होंने एक बात का वादा किया था कि हम 5 साल में 500 स्कूल नए स्कूल बनाएंगे। आज 11 साल बीत चुके हैं और 11 साल में केवल 39 नए स्कूल बने। आज अगर मैं बात करूं शिक्षा के, हमारे जो स्कूल हेड ऑफ द स्कूल्स की बात करूं, तो आज 90% हेड ऑफ द स्कूल स्कूलों में नहीं है। आज हमारे जो टीचर्स हैं वो गेस्ट टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार कोशिश करने के बावजूद हम ये चाहते हैं कि इन सवालों का वो जरूर जवाब दें और जनता के सामने फेस करने के लिए तैयार है। अमातुल्ला खां के निवास पर आज ईडी पहुंची हुई है, उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड हुई है। देखिए, मैं इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि ये सरकार के जितने भी लोग हैं वो ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और नमस्कार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, जो सही होगा वो किया जाए, अगर कोई नाजायज करता है तो उसके खिलाफ हम। देखिए, जो पूरी दिल्ली में जो बदहाली है, एक जल बारिश होती है घंटे की, सारी दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है। त्रिनगर में भी जल भराव है, जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आप खुद सामने देख रहे हैं। काफ़ी दिन से 10-10 दिन यहाँ सफाई नहीं हो रही है, तो जो हालात हैं त्रिनगर के, उस बदहाली के खिलाफ आज हम निकले हैं त्रिनगर के लोगों पर ये बात रखने के, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना जिम्मेदारी और दायित्व ठीक से निर्वहन कर रहे हैं। अब जो भी चुनाव आए उसमें बदलाव के लिए लोग काम करें। जो लोग ये कहते थे कि कट्टर ईमानदारी है, उनका भ्रष्टाचार वो पूरी दिल्ली में जिस तरह से जग जाहिर हुआ है, तो दिल्ली के लोगों से और साथ साथ ही त्रिनगर के लोगों से अपील करने के लिए आज हमारे बीच जो श्री देवेंद्र यादव जी आए हैं, उनको हम ये संदेश त्रिनगर में देना चाहते हैं कि लोगों में जो पहले त्रिनगर था उस तरह का त्रिनगर जो है लोगों को चाहिए,
श्रीनगर में एक बदलाव लोग महसूस कर रहे हैं। हम सब मिलकर उस बदलाव के सहभागी बने, उसकी प्रार्थना है सबसे। अनिल जी, आप जब विधायक रहे यहाँ पर तो क्या क्या मोटे मोटे काम करवाए थे? देखिए, हमने श्रीनगर चारों तरफ से रेलवे क्रॉसिंग से घिरा था, चार रेलवे अंडरपास बनाए, हमने 11 चौपाले श्रीनगर के छोटे जो गांव, श्रीनगर के जो अर्बनाइज विलेज हैं उनमें हमने 11 चौपालें श्रीनगर में बनाई, बारात घर बनाए, 3 रेलवे अंडरपास बनाए, 3 हमने सबवे बनाए, और निर्माण जो श्रीनगर में हुआ उस समय में वैसा निर्माण आज तक श्रीनगर में नहीं हुआ है। तो इसलिए श्रीनगर जो है अब ये एक बार जरूर पढ़ना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो श्रीनगर के लोगों की आज बदहाली है, जो श्रीनगर के लोग आज ये अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें जनप्रतिनिधियों से सही जवाबदारी और काम के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है वो देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए आज लोग श्रीनगर में बदलाव के लिए चाहते हैं, हम उस बदलाव। जी हाँ जी, कमलकांत जी, क्या माहौल लग रहा है लोग? हम जनता की आवाज़ बनकर जनता की समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में श्रीनगर के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं। जैसे बिजली के जो बिल बढ़ के आ रहे हैं, पानी नहीं आ पा रही, सड़कें और खड़ंजे खराब पड़े हैं, सीवर जाम पड़ी हुई है, इसलिए आज इस पदयात्रा के माध्यम से जगा रहे हैं कि आप देखो, सरकार जिसको वोट दी थी आम पार्टी को और केंद्र को, उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, और कांग्रेस हमेशा जनता के विकास की लड़ाई लड़ती है। क्या सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो आई सत्ता में आई थी कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के वंशज हैं, आज उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक जेल में बंद हैं। आपकी ईमानदारी कहाँ गई? दिल्ली सरकार के जो काम है आप देख रहे हैं, सड़कों की हालत यहाँ देख रहे हैं, सड़कों की हालत क्या है, स्कूलों की हालत क्या है, शराब के ठेके जगह जगह आपने खेले, शराब में भ्रष्टाचार किया, ये तो सब चीज़ें जो हम वादा करके आए थे। बिजली की समस्या बड़ी भारी हो, बिजली इतनी महंगी हो गई, पानी इतना महंगा हो गया और क्वालिटी ख़राब हो गई, उसको लेकर हम ये सड़कों पे उतरे हैं, और आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में श्रीनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ, और आज हम ये पंपलेट हमने बनवाया, 5 सवाल पूछे हैं उनसे, उसको सजवा मांग रहे हैं। तो देख सकते हैं पूरा एकदम प्रदेश अध्यक्ष जी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कुछ रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? लोगों का रिस्पांस नहीं, समर्थन भी मिल रहा है, समर्थन भी पूरा मिल रहा है, और उन बात लोग यही कह रहे हैं कि जो शीला वाली कांग्रेस थी वो लौट के आएगी, जो सपनों के सौदागर थे वो सब वापस जाएंगे, सपने बेचने अब आम आदमी पार्टी और भाजपा बंद करेगी। जनक है मनीष सिसोदिया जी बता रहे हैं, ये मनीष सिसोदिया जी शराब घोटाले में अंदर गए और वो बात करते हैं कि मैं शिक्षा के सुधार के देवता को बंद कर दिया, शिक्षा के सुधार वाले मंत्री को बंद नहीं किया, उनको बंद किया था जिस व्यक्ति ने घर घर शराब बेचने का काम किया था, एक के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया था। तो देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लेकर लोग घर घर जा रहे हैं, पंपलेट दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता जब आपके सामने आए, आपके सामने जब आए तो उनसे सवाल पूछिएगा, 5 सवाल इन्होंने पर्चे में पंपलेट जो दे रहे हैं उसमें सवाल पूछने के लिए आह्वान कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देवेंद्र यादव जी देख सकते हैं काफ़ी कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।